इतने को वाला ना सीधी जगह जब खोले थे जरूर इतना इतना को वाला भी सर जो सर लाइन में आ जाएगा रहते जैसे दोस्तों ये हैं हमारे मित्र जाकिर जी और ऐसे तो स्टूडेंट होते हैं हमारे फैन लेकिन ये स्टूडेंट ना हो के भी हमारे बहुत बड़े फैन हैं बहुत बड़े शुभचिंतक हमारे तो मैं जब भी शर्ट सिलवाता हूँ हालांकि ये शर्ट एक रेडीमेड था ये इनका तबीयत खराब था इसलिए मुझे ये खरीदना पड़ा था और ये शर्ट उतना कम्फर्टेबल मेरे लिए नहीं है जितना ये खुद सिल कर मुझे देते हैं और इसलिए अभी मैं आया हूँ और तीन शर्ट सिलवाऊंगा। हालांकि सर मैं पहनता तो जींस हूँ और पैंट नहीं पहनता सिलवा के कपड़े वाली वो जींस पहनता हूँ तो अक्सर हमेशा शुरू से लेकिन शर्ट मैं पहनता हूँ। तो एक बार जाकिर जी को मौका दीजिए इस इलाके से जो भी स्टूडेंट खासकर चूंकि हमारी वीडियो देखते हैं है ना टीचर लोग भी तो सर भाई हम सिलवा रहे हैं तो बाकी टीचर भी तो जरूर आते हैं आपके पास बहुत टीचर आते हैं और अभी इन्होंने नया यहाँ सेटअप किया है इनका चूँकि घर पे दुकान था तो यहाँ पर नया सेटअप किया है अभी ये बड़ा दुकान होने वाला है तो ज़रूर आइए और मैं जाकिर जी आपका नंबर दे दूँ इसमें कोई परेशानी तो ना होगा आपका कोई परेशानी नहीं बहुत सारे हमारे बच्चे कॉल करेंगे नहीं वो कहेंगे कि सर एगो शर्ट सिल के हमको भेज दीजिए भेजवा दीजिए कुरियर करवा दीजिए करवा दीजिएगा तो एक्स्ट्रा परेशान नहीं कीजिएगा लेकिन जिन किसी को मैं यहाँ खुद आता हूँ जब भी क्योंकि बहुत बड़े बड़े टेलर हैं मैं हाजीपुर पटना सब जगह जाता हूँ लेकिन जाकिर जी ये सच बात है आप जो सिल देते हैं कपड़ा जब से मैंने आपको जाना है मैंने अलग कहीं नहीं कपड़ा सिलवाया और सच बताऊँ मैं जब हरियाणा गया था ना तो हमारे मित्र लोग कह रहे थे सर ये सिलवाए नहीं है मतलब किसी कंपनी का कहीं से अलग रेडीमेड खरीदे हैं इतना फिटिंग कैसे हो सकता है जबरदस्त है ना तो चलिए आप ले लीजिए और पहले तो मैं आपका यहाँ पर नंबर डाल दूंगा और आपके दुकान का नाम ताकि जो लोग आएंगे उनकी सेवा आप दे पाए। चलिए दोस्तों आज हम जाकिर जी से मिलते हुए और देखते हैं कि हमारा शर्ट कैसा सिला है उन्होंने और मिलते हुए थोड़ा पटना निकलते हैं और पटना में कुछ आज स्पेशल हो रहा है और जो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम चीज़ है। चलिए हम आपको आज दिखाते हैं और स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। गाड़ी हो गई है स्टार्ट और टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग मेरे सीट बेल्ट भी लगा लिया है। मैं जा रहा हूँ बात दोगी क्या पहले तो इंसान बंदर था बंदर से फिर इंसान बना लेकिन इस रोड में उछलते उछलते जो भी इंसान जाता है वो बंदर ही बन जाता है। तो ये स्थिति है इस सड़क की और ये हमेशा से रहा है मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ जब से मुझे याद है तब से इसकी स्थिति है। जब इलेक्शन होते हैं उस टाइम ये थोड़ी सी इनकी रिपेयर की जाती है बस थोड़ी थोड़ी ईंट डाल के। माननीय विधायक जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप एक्शन ले जल्दी से। ये महनार से सलाह चौक जाने वाली रास्ता है और चूंकि मैंने आपको कई बार आवेदन भी दिया है तो ज़रा इस पर सुनवाई करें क्योंकि ये बहुत विलम्ब हो चुका है और ये मुख्य मार्ग है महनार स्टेशन जाने के लिए। तो दोस्तों जाकिर जी जो मेरे लिए शर्ट बनाकर मुझे दिए हैं तो आप देख सकते हैं मैंने पहन लिया है और कैसा लग रहा है जरा बताइएगा जरूर। वैसे हम तो स्मार्ट नहीं है लेकिन एक बात पक्का है कि भाई शर्ट सिलने वाला व्यक्ति बिल्कुल अपने काम में स्मार्ट जरूर है। तो मैंने पहन लिया है अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को तो मैं अब चलता हूँ जरा घूमने बाजार होके आता हूँ।